नमस्कार, विराट 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पूजा। आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव समीप आ चुके हैं और ऐसे ही वार्ड 27 में अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे महारथियों की आज हम बात करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही एक बार फिर से नेताओं के चेहरे खिले और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब वो भी दौर शुरू हो गया है जिसके माध्यम से नेता मतदाताओं को रिझाने का काम करने लगे हैं। स्वाभाविक है कि चुनाव आते ही चुनावी दंगल शुरू हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो जाते हैं। रीवा जिले में इस समय सबसे दिलचस्प मुकाबला देवतलाब विधानसभा के जिला पंचायत वार्ड नंबर 27 में है, जहाँ का नेतृत्व वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कर रहे हैं। इस वार्ड से विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र दो बार जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके राहुल गौतम ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी दांव खेला है और इसी वार्ड से राहुल गौतम के ही चचेरे भाई पद्मेश गौतम को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस क्षेत्र में जहां एक तरफ गिरीश गौतम का दबदबा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए सीमा जयवीर सिंह का भी लोगों के बीच अच्छी पैठ है। भाजपा समर्थित राहुल गौतम जहां अपने और पिता गिरीश गौतम के द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ लोगों को की गई मदद के भरोसे भारी बहुमत से जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष शासन और प्रशासन के दुरुपयोग के साथ क्षेत्र में भय का वातावरण होने की बात कहकर वोट मिलने की उम्मीद जगा रखा है। देवतलाब विधानसभा क्षेत्र की जिला पंचायत के वार्ड 27 में लग रहे आरोप और प्रत्यारोप के संबंध में जब हमने दंगल में उतरे योद्धाओं से बात की, तो सभी ने अपने अपने दावे पेश किए और अपनी अपनी जीत पक्की बताई है। आइए पहले आपको सुनाते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से जिनकी पत्नी प्रत्याशी रही सीमा सिंह के पति जयवीर सिंह को, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ उनके पुत्र पर आरोप लगाते हुए अपनी पत्नी बेटे और अन्य के खिलाफ प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पद्मेश गौतम और भाजपा से मैदान में उतरे राहुल गौतम को भी। ये मुकदमा कोई पहली बार हम लोगों के सामने नहीं आया है। जब से हम राजनीति में आए और देवतलाब विधानसभा के, जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री गिरीश गौतम बने हैं, तब से ऐसा कोई चुनाव नहीं जिस चुनाव में हम मुझे और मेरे परिवार को टारगेट ना कर रहे हों। दुर्भाग्य ये ज़रूर है इस बार कि इस बार हम चुनाव में पंचायती राज में नगरीय निकाय में कहीं भी हमारी डायरेक्ट प्रत्याशी में नहीं हूँ। माननीय कमलनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जन जन के नायक हैं, उनको हमारी समाज सेवा जो देवतलाब विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा चल रही है वो उसको देख रहे हैं। विधानसभा में 2018 में जो जनादेश सीमा सिंह जी को मिला था, हमारी धर्मपत्नी को, उसको देख रहे हैं। उन्होंने हमें एक जिम्मेवारी दिया है भोपाल बुला करके कि आप जो है विधानसभा देवतलाब में आने वाले सभी जो जिला पंचायत के वार्ड हैं और नगरीय निकाय हैं, उसमें आप अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को कोशिश करिए कि अधिक अधिक लोगों को जीतवा के लाइए। और इसी तारतम्य में अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का भी मैं बयान देखा हूँ, भोपाल में मीटिंग में आए थे, उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में विधायक के क्षेत्र में जिला पंचायत वार्ड हारेंगे वहाँ विधायक का टिकट कट जाएगा। इसी बात को भयभीत होकर के उन्होंने आनन फानन में मेरे ऊपर ये मुकदमा जो है इस्तगासा लाए हैं और इस्तगासा जो ला करके उन्होंने एक भय का वातावरण तैयार किया है। इसी का एक मतलब भय का वातावरण तैयार करने की उनकी एक षड्यंत्र है कि जयवीर सिंह पूरा परिवार, हमारे बच्चे, मेरा बेटा जो यहाँ रहता भी नहीं है वो बाहर रह के पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और ये रीवा के लिए लोगों को एक दिन गर्व होगा कि हमारा बेटा पूरे विंध्य में एक ऐसा बच्चा है जो भारत की प्रतिष्ठित जो संस्थान है मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसका सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सिविल का यूनिवर्सिटी का ब्रांच टॉपर है। ऐसे बच्चे के भविष्य को उन्होंने पहली बार अभी दांव में लगा दिया, उन्होंने उसके करियर खराब कर रहे हैं। 2015 के चुनाव में उसको FIR में नाम नहीं था लेकिन बाद में नाम जुड़वा दिए। लगातार हमारे परिवार को, क्षेत्र के जो हमारे समर्थक हैं, दयाकांत तिवारी भीड़ के रहने वाले हैं, सतीश तिवारी ड्राइवरी करते हुए बेचारा अपना रोजी रोटी चलाता है, हमारे गांव लही का है वो, एक आदिवासी बच्चा है नईगढ़ी जनपद में जहाँ उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर प्रिंसिपल का बच्चा है वो और ड्राइवरी करता है बेचारा, उसको कोल को आदिवासी भाई को वो मुलजिम बना दिए, क्या शांति फैलाएंगे हम लोग क्षेत्र में। शिकायत करता कौन है, किसकी शिकायत पर ये प्रशासन ने आपको नोटिस दिया? ये जो नोटिस हमें मिली है इसमें आप लोग भी जानते हैं कि ये
नोटिस में जब भी कोई 107-16 चलाया जाता है तो इसमें कोई ना कोई प्राइवेट पार्टी होती है, किसी का नाम होता है, कोई आवेदन देता है थाने में और थाने में आवेदन देने जानी जाती है और 107-16 का भी एक पक्ष नहीं चलता है, 107-16 दोनों पार्टी में जो आवेदक होता है और जिसके खिलाफ अनावेदक होता है, दोनों पार्टी शांति व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ कौन है आवेदक? हम अकेले क्या शांति व्यवस्था बनाएंगे? दूसरा पार्टी कौन है? तो आवेदक 2.5 लाख, मैं धन्यवाद दूंगा अपने सम्मानित साथियों को देवतला विधानसभा क्षेत्र के, कि 2.5 लाख मतदाता होने के बाद इनको एक व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई नहीं मिला जो आवेदन दिया हो थाने में कि जयवीर सिंह से, सीमा सिंह से, हमारे बेटे से, हमारे समर्थकों से कहीं भय है। ये दुर्भाग्य, देश का पहला मुकदमा देवतलाव के क्षेत्रीय विधायक गिरीश गौतम ने लगवाया है, विधि के ज्ञाता हैं, विधानसभा के सर्वोच्च जगह में बैठे हुए हैं, बोलते हैं न्याय दूंगा मैं। ये न्याय दे रहे हो आदिवासी लोगों को? न्याय दे रहे हो ब्राह्मण परिवार के लोगों को? आज भय का वातावरण, घर में भोजन नहीं बन रहा लोग गरीब ब्राह्मणों के, आज वातावरण आप तैयार करो बेरोजगारों को, यूथ को, सब लोगों पर, कि किस प्रकार से लोग भयभीत हो गए कि गौतम जी दो पक्ष में अशांति व्यवस्था दो पक्ष में होती है, जब एक पक्ष ही नहीं मालूम कौन पक्ष है। आवेदक, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके दबाव में तहसीलदार ने थाना प्रभारी लौर को बुला के उसी को आवेदक बना दिया है। हम पुलिस और हम लड़ेंगे आपस में क्या? क्षेत्र के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों में विकास नहीं हुआ और आजकल ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आपके क्या मुद्दे? 35 साल से कांग्रेस पार्टी देवतला विधानसभा से बाहर है, ये दुर्भाग्य रहा हमारे विधानसभा का। और 35 साल में अभी अधिकतम टाइम जो है तो भाजपा की सरकार और तीसरी पंचवर्षीय में गिरीश गौतम जी, इसके पहले पंचूलाल जी और उनकी पत्नी वहाँ विधायक रहे, पंचूलाल जी विधायक रहे हैं भाजपा की सरकार में। आप बताइए, देवतला में एक डॉक्टर नहीं है, देवतला में नर्स नहीं है, सीतापुर में डॉक्टर नहीं है, रामपुर में, डिगवार में डॉक्टर नहीं है, सीतापुर में नहीं है, मनकवार में नहीं है, रघुराजगढ़ में नहीं है, कहीं एक डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, केमिस्ट नहीं है, कोई बांटने वाला नहीं है। शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, सड़क में देख लीजिए, शहीद दीपक सिंह के नाम पे बोले अस्पताल बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष जी ने कहा कि हम बनाएंगे, एक पत्थर नहीं रखा फायदा में, पूरे मध्य प्रदेश के इकलौता शहीद मध्य प्रदेश से हुआ देश के लिए, उसके लिए आपने मजाक बना दिया, उसके लिए आप कर रहे हैं पूरे। आपने कहा कि राजनीतिक ईर्ष्या का मुकदमे दर्ज कराए गए, लेकिन मऊगंज से पूर्व विधायक है उनके खिलाफ नहीं हुआ, अन्य नेताओं के खिलाफ नहीं हुआ, आपके ही ऊपर क्यों ऐसा दबाव बना है, क्या डर है? अब आप ये देखिए, कांग्रेस, हम BSP से प्रत्याशी रहे 18 में, हमारी धर्म पत्नी को वहाँ के लोगों ने मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के मऊगंज ब्लॉक से, 71 पंचायत हमारी थी, हम 25 मतों से आगे हैं, नईगढ़ी जनपद से 700 मतों से आगे हैं, हम तो वहाँ के विधायक जनता बना चुकी है, उनको डर मेरे से है, वो तो जानबूझ के गिनती में गड़बड़ी करके हमारी 3-3 पोलिंग आज भी नहीं गिनी हुई है, हम सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले गए हैं, कोई कहीं हमारी मतलब मामला जो है वो जान रहे उस चीज़ को कि उस सत्ता के, उनका फार्म बस से 700 मतों से आगे हैं, हम तो वहाँ के विधायक जनता बना चुकी है, उनको डर मेरे से है, वो तो जानबूझ के गिनती में गड़बड़ी करके हमारी 3-3 पोलिंग आज भी नहीं गिनी हुई है, हम सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले गए हैं, कोई कहीं हमारी मतलब मामला जो है वो जान रहे उस चीज़ को कि उस सत्ता के, उनका फार्म गलत है, उन्होंने एफिडेविट गलत दिया जो नामांकन भरा है, कोई जाँच करने वाला नहीं सरकार उनकी है, तो ये किसी को टारगेट क्यों करेंगे जब टारगेट में कोई है ही नहीं है। टारगेट में सीमा सिंह है, उनको मालूम है कि अभी जिला पंचायत के चुनाव में वार्ड क्रमांक 27 में पद्मेश गौतम उनके भतीजे हैं, हमारे पास आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, चाचा चाची के पास, हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है और मैं ये उनको बोला है कि आप चुनाव जीत के आइए, हमारा पूरा समर्थन है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता मात्र पद्मेश गौतम 27 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हैं। हमारे जिला पंचायत वार्ड का जो 14 जहाँ से मैं सदस्य हूँ वहाँ मालती मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है, हमारे समर्थकों ने कहा बनाइए, हमने बनाया, पूर्व की सरपंच उलही की रही हैं, विनय मिश्रा आए थे यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए हमसे, हमने आशीर्वाद दिया उनको। तो गौतम जी परेशान इस बात से हैं कि हम आधे जो प्रत्याशी हैं वो अच्छे लोग हैं, पद्मेश गौतम का पुराना वार्ड है वो, आप 28 नंबर वार्ड सीतापुर खाली है, आप वहाँ से अपने बेटे को चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहे हो, क्यों पद्मेश गौतम के वार्ड में आप जा रहे हो, आप परिवार को भय बना रहे हो, घर में भय बना रहे हो, हम पर भय बना रहे हो, वो जानते हैं कि जयवीर सिंह यहाँ पर प्रचार में आएंगे जिला पंचायत के, तो यहाँ पर प्रचार करने हम जाएंगे तो पद्मेश गौतम के विरुद्ध राहुल गौतम को वोट नहीं मिलेगा। जनता किन मुद्दों पर वोट देगी? जनता आतंक के खिलाफ वोट करेगी, भय के खिलाफ वोट करेगी, क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम, उनके पुत्र का जो दादागिरी चल रहा है, जो अभी डेली प्रतिदिन पैसा बांट रहे हैं, अभी से पैसा बांटना चालू हो गया, अभी से नलकूप बोरिंग रातों रात बोरिंग हो रही हैं, इनको जनता देख रही है कि आप 15 साल से बोर नहीं कराए, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, त्राही त्राही मचा हुआ है, आप देवतला क्षेत्र में जाइए,
हमने अपने निजी पैसे से कई सारे बोरों में हैंडपम्प डाल के रखे हैं, कई सालों से पानी के लिए तड़प रहे हैं, बिजली नहीं जाती। आप मनकवार सब स्टेशन में जाइए, पूरे एरिया में तीन तीन दिन लाइट नहीं आती, इसकी चिंता विधानसभा अध्यक्ष जी को नहीं है? हम कलेक्टर रीवा को शिकायत किए हैं, एसपी साहब से बात किए हैं, ये शिकायत का हमारा लेटर है और हम ज्ञापन दिए, सैकड़ों हमारे लोक समर्थक आए थे, चुनाव आयोग को हमने कहा है। और जो नई गढ़ी अभी वर्तमान में एसडीएम मऊगंज मिस्टर एपी द्विवेदी हैं, मिस्टर केपी त्रिपाठी टीआई लाहौर हैं, और जो दीपिका पाव जी जो ये न्यायिक दंडाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, इन सब को बदले की भावना से अभी से जो षड्यंत्र किया जा रहा है, भय का वातावरण पुलिस प्रशासन कर रही है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमने कलेक्टर रीवा से कहा है इन तीनों को तत्काल वहां से हटाएं, और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं, इनको तत्काल मुकदमे को नोटिस को संज्ञान में लेकर नोटिस निरस्त करें कलेक्टर साहब, जो विधि के विधान के अनुसार है, और निष्पक्ष चुनाव करा के एक लोकतंत्र की, स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना करें रीवा में। आपने सुना, 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए जयवीर सिंह को, जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन पर दबाव बनाकर राहुल गौतम को वोट लेने का आरोप लगाया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी से समर्थित प्रत्याशी पद्मेश गौतम को, जो राहुल गौतम के ही चचेरे भाई भी है और चुनावी दंगल में जिला पंचायत वार्ड 27 से पहली बार अपना भाग्य भी आजमा रहे हैं। विकास तो लगभग सभी की प्राथमिकता होती है, पर उससे ज़्यादा आवश्यक है कि क्षेत्र में एक भयमुक्त वातावरण बनाना, उसका निर्माण करना, यह मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी इस समय वर्तमान परिस्थितियों में। भय किससे भय आप समझ रहे हैं? सत्ता का भी भय है लोगों के मन में, और सत्ता का जिस प्रकार से दबाव चल रहा है हमारे पूरे क्षेत्र में, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो उस भय से मुक्त कर। भाई से जी कैसा रहे? अब हमारे हिसाब से तो जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। क्या मानते हैं, किन मुद्दों पर वोट देगी आपको जनता? जनता व्यक्तिगत कैंडिडेट के व्यवहार, उसकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, इन सारे मुद्दों को देखकर, ध्यान में रखकर मतदान करेगी। जो नहीं देगा मान लीजिए, वो क्या मान सकते हैं कारण है आपका कोई? जो नहीं देगा, मैं तो ये मान रहा हूँ कि लगभग मुझे सभी लोगों का मत प्राप्त होगा, पर अगर जो कुछ नहीं भी दे रहे हैं तो वो केवल और केवल सत्ता के दबाव में आकर किसी न किसी प्रकार का उनके ऊपर दबाव है, इस वजह से अगर नहीं देंगे तो नहीं दे पाएंगे। इस सत्ता में बैठे आपके बड़े नेता आपके सगे चाचा जी हैं जी, क्या कहना है इस बारे में आपका? अब यह उनका धर्म है कि वो क्या कर रहे हैं, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार का दबाव और अनैतिक दबाव का निर्माण करना ही नहीं चाहिए क्षेत्र में। दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ें, जनता जिसे चुनकर भेजेगी वो अपना भाग्य आजमाएगा। राजधर्म किनारे हो गया है, क्या करना है इसका? अब राजधर्म बचा ही कहाँ है, जिस प्रकार से क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आचार संहिता लगने के बाद नलकूप खनन हो रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष गली गली प्रचार करते घूम रहे हैं अपने पुत्र का, तो यहाँ फिर राजधर्म बचता कहाँ है? हमें तो कहीं भी किसी प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा कि राजधर्म का पालन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग से आप शिकायत करेंगे इस बारे में? बिल्कुल, पिछले बार भी जब चुनाव कैंसिल हुआ था हमने निर्वाचन आयोग को वीडियो भेजे थे, ऑडियो भेजे थे, और निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी, वर्तमान समय में भी शिकायत करेंगे। जनता क्या समझेगी, घर की लड़ाई मैदान में आ गई? यह घर की लड़ाई नहीं है, यह विचारों की लड़ाई है, और मैं विगत पिछले 15 वर्षों से उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ। पिछले बार भी मैं वहाँ चुनाव मैदान में था, कतिपय कारणवश कुछ समय की कमी और परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई कि मैं चुनाव वहाँ हार गया, और उसके बाद से मैंने निरंतर जनता के बीच में रहने का प्रयास किया, और उसी आधार पर मैं मैदान में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बिल्कुल भय है, और यही परिलक्षित करता है कि जिस प्रकार हड़बड़ाहट में जिस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, अगर प्रत्याशी जयवीर सिंह जी हैं उनके साथ भी बिना नोटिस के, बिना सूचना के, बिना किसी के द्वारा आरोप लगाए हुए स्वयं संज्ञान में लेकर तहसीलदार न्यायालय से नोटिस काटी जाती है, तो इससे क्या साबित होता है? इससे सीधा सीधा यही साबित होता है कि कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि
उनका बालक उदेश प्रताप सिंह जो कि बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी मणिपाल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, एक 20 साल का नवयुवक, उससे क्या क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है? यह तो सीधा सीधा आप लोग को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि वो क्या शांति भंग करेगा जो लड़का यहाँ रह ही नहीं रहा है और जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है तो इससे साफ साफ दिखता है कि सत्ता का दबाव चारों तरफ बन रहा है। क्षेत्र में लगातार आप भ्रमण में रहते हैं, पहले भी रहे, क्या मूलभूत आवश्यकताएं क्या है वहां की लोगों की अभी जो नहीं हो पाई और आपसे आशाएं हैं लोगों की? वर्तमान समय में तो सबसे बड़ी आवश्यकता वहाँ रामपुर में एक पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता है। और अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, वहाँ पेयजल की बहुत गंभीर समस्या है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा आदिवासी क्षेत्र भी है उस वार्ड में, तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लड़ाई आप किससे मानते हैं? यदि आपको विजयी माना जाए तो दूसरे नंबर पे कौन होगा? मैं लड़ाई तो अपनी अभी वर्तमान में किसी से नहीं मान रहा हूँ। हाँ, अगर नंबरिंग की बात आप करेंगे तो मेरे हिसाब से आमने सामने की लड़ाई रहेगी। नहीं, यदि आपको विजयी माने तो दो नंबर पर कौन? दो नंबर पर दोनों ही पार्टियाँ, दोनों ही जो और प्रत्याशी आएंगे वो लगभग आसपास ही रहेंगे। कोई तो दो के होगा। अब यह कह पाना बहुत कठिन है, मेरी लड़ाई मेरे ख्याल से एक वहाँ प्रत्याशी हैं नारायण पटेल, उनसे होगी। युवा वोटर ज़्यादातर निर्णायक है हर जगह, आपके साथ भी एक युवा वर्ग का अच्छा है, क्या मानते हैं कि युवाओं का निर्णायक वोट रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में युवाओं की इस बार महती भूमिका रहेगी इस निर्वाचन में, और मुझे उम्मीद है कि सारा का सारा युवा वर्ग मेरे साथ जाएगा। क्या कहना चाहिए, कैसे मतलब जनता किन मुद्दों को देकर वोट दे, आपको दे, किसी दूसरे पार्टी को दे, क्या देख के दे वोट, वोटर क्या क्यों वोट दे? पहला तो यह दलगत कोई चुनाव नहीं है, पंचायत चुनाव दलगत आधार पे नहीं हो रहा है। तो ये था विपक्ष, जिसके द्वारा क्षेत्र में जनसेवा और भयमुक्त माहौल देने के नाम पर वोट मांगने का दावा किया जा रहा है और जीतने की आशा भी लगा रखी है। आइए सुनते हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम को, जिनके द्वारा विगत 15 वर्षों से क्षेत्र के किए गए विकास कार्यों और अपने आगे की योजनाओं के आधार पर विरोधियों को चारों खाने चित करने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी मजरों टोलों के भीतर जो सड़कें अभी बची हुई हैं उनको प्रमुख मार्ग से जोड़ने की होगी। शासन की कुछ प्रमुख योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनका नाम जुड़ जाए ताकि वो अपना गल्ला खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? मैं किसी को भी प्रतिद्वंदी नहीं मानता, प्रजातंत्र में सबको अपना अपना अधिकार होता है। अपने रामायण में एक चौपाई है, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ नकच मोर प्रभुताई, नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं प्रतिद्वंदी अपना किसी को मानता ही नहीं। प्रजातंत्र है, सब अपना लड़ रहे हैं, अब देखते हैं आने वाली 25 तारीख को ही मालूम चलेगा। वार्ड क्रमांक 27 के समस्त मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और मेरा ये मानना है कि जो ये भीड़ और जो रुझान लोगों की आत्मीयता से इकट्ठा होते हैं, इतनी चिलचिलाती दोपहरी में जब मैं गांवों के भीतर प्रवेश करता हूं, पार्टी के कार्य स्वाभाविक तौर पर विरोधियों का ये काम ही है, वो बोलेंगे ही। मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूं, आज तक मैंने देखा लगभग 20 वर्ष राजनीति में मुझे हो गया माननीय जी के साथ। मैं दो बार जिला पंचायत सदस्य रहा, आप जनता की कृपा से मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी रहा और अब ये फिर से ये उम्मीदवारी मैदान में है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिस तारीख से चुनाव में माननीय जी की जीत दर्ज होती है आप सबकी कृपा से, और जब वो जीत जाते हैं और उसके बाद जब वो रैली निकलती है, रैली दिनांक से लेकर के जब तक 5 वर्ष दोबारा वोट नहीं पड़ जाता है तब तक माननीय जी और मैं दिन एक बार देवतलाव, रोज़ एक चक्कर देवतलाव जरूर जाते, 5 वर्ष कंटिन्यू। पर दुखद बात एक ये है भाई साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब काम निकल जाता है वोट के विद इन 1 घंटे बाद फिर तकदीर पलटने वाले फिर 5 साल में केवल चेहरा 12 दिन के लिए दिखाते हैं, और वो तो स्पष्ट है कि सामने जनता बताएगी कि आशीर्वाद। अब अपने गुस्सैले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, क्या करें इस बारे में? लोग प्यार, ये स्वाभाविक तौर पर ये गुस्सा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अच्छे व्यवहार कुशल हूँ, सम्मान करता हूँ, सेवा करता हूँ लोगों की। स्वाभाविक तौर पर कुछ विरोधियों को भाषा गलत लगती है और ये लगता है कि ये तेज बोल रहे हैं, तो वो तो उनका अपना मत है, प्रजातंत्र में सब स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए।
अपने आप को विजयी मानते हैं तो दो नंबर पे कौन? मैं प्रजातंत्र में मैं अपने आप की घोषणा नहीं कर सकता। जनता का आशीर्वाद आगामी 25 तारीख को वोट पड़ने से जो आशीर्वाद प्राप्त होगा उसी का हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रतिद्वंदी किस? मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं, मैं वहाँ जनता की सेवा के लिए निकला हूँ और वहाँ जो आशीर्वाद प्राप्त होगा मुझे स्वीकार है। घर की लड़ाई मैदान पे आ गई, इस बारे में मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि प्रजातंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है। किन मुद्दों पर जनता वोट देगी? मुझे मेरे माननीय जी के विकास कार्यों को सतत उनका संपर्क में रहना, देवतला विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों की पराकाष्ठा को पार करना, शायद विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन चीज़ों का हो जाना जो पिछले 60-70 बरस में नहीं हो पाई। ITI कॉलेज का आना, नगर पंचायत देवतलाव आना, हायर सेकेंडरियाँ आना, काली डामर सड़कों का जाल बिछना, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा सर्वाधिक संख्या पर विधानसभा क्षेत्र के भीतर देना, हैंडपंप की सर्वाधिक संख्या विधानसभा क्षेत्र के भीतर देना, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य, साइकिल यात्रा चलाना, लोगों के कार्य को त्वरित वहीं पर सुन करके वहीं पर उनके कार्य को निराकरण करना, ये बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जो जनता स्वाभाविक तौर पर आशीर्वाद देने जा रही है। सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है आपको? मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं आया, और अगर ऐसा कोई है तो विरोधियों की केवल एक चाल हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास इस बात का किया हूँ कि जनता का आशीर्वाद मिले और अपनी संपूर्ण क्षमता तन मन धन के साथ लोक कल्याण के कामों में लगे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। जयवीर सिंह ने आपके ऊपर आरोप लगाया, पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं उसी विधानसभा से, कि आपके द्वारा उनके उनके पुत्र को फंसाया जा रहा है। रीवा जिले के लगभग संघर्ष के आखिरी नेता माननीय जी हैं, और शायद इस 40 वर्ष के दरमियान में पुरानी पीढ़ी भी, आज की नौजवान भी पीढ़ी माननीय गिरीश गौतम जी के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानती है। मुझे तो ये नहीं लगता है कि कोई इस बात का विश्वास मानने को तैयार होगा कि एक टॉप क्लास के लॉयर गिरीश गौतम जी एक सिद्धांतवादी नेता। मेरा केवल एकमात्र लक्ष्य है मध्य प्रदेश की धरती में देवतला विधानसभा क्षेत्र को नंबर एक बना सकूं। आपने देखा, चुनावी दंगल सच चुका है। महारथी अपने अपने साधन संसाधनों से सुसज्जित होकर मैदान में उतर पड़े हैं। चुनाव जीतने के लिए हर दांव पेच आजमाने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि क्षेत्र की जनता वार्ड 27 में किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है, क्योंकि यह जनता है, यह सब जानती है। मेरी यही अपील है कि जनता अपने वोट का सही उपयोग कर ऐसे प्रत्याशी को चुने जो सुख दुख और क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आपको 7 वर्षों के बाद एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में अपने मताधिकार का अवसर मिला है, इसका उपयोग अवश्य करें। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।